हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं बीएससी पार्ट टू के लिए सजेशन, जो कि आप लोग कमेंट कर रहे थे और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसके कारण मैं नहीं बना पा रही थी। सो आज मैंने कमेंट देखा, मैं भूल गई थी, मैंने कमेंट देखा, फिर मैंने तुरंत जो है मतलब बैठ करके बनाया और अभी अपलोड कर रही हूँ। सो चलिए लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या आपको पढ़ना है इन फॉर द एग्जाम पर्पस। सो देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम पेपर थर्ड की बात करेंगे। रिमेम्बर दैट कि आपने जो पार्ट वन है उसमें आपने पेपर वन एंड पेपर टू पढ़ा था, बट अभी जब आप पार्ट टू में जग गए हो तो आपको पढ़ना है पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ। तो ये याद रखना है, आप एग्जाम हॉल में भी कॉपी में जब फिल करोगे तो वहाँ पे पेपर जो है लिखना पड़ता है कि किस पेपर का एग्जाम दे रहे हो। तो आपको याद रखना है पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ आपको बीएससी पार्ट टू में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर थर्ड में क्या क्या सजेशंस हैं, क्या क्या आपको पढ़ के ही जाना है, मतलब इस टॉपिक को लीव नहीं करना है आपको किसी भी कीमत पे। सो फर्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया। क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया को अच्छे से करके जाना है। अब लिखेंगे कैसे, तो जैसे मैं बता रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो चार्ट डायग्राम चार्ट बना देंगे और वो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले लिखने का तरीका होता है कि रेप्टिलिया के बारे में कुछ लिखिए, कैरेक्टर लिखिए एंड देन आप क्लासिफिकेशन पे जाइए, फिर उसको डिटेल में आप मेंशन कीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एआरओ जो है, एआरओ यानी कि एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिश आपको करके जाना है। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटी ऑफ डिप्लोई। डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में जनरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एफिनिटी जो है वो कैसे शो करता है, यानी कि एम्फीबिया से कितना एफिनिटी ये रखता है, फिश से कितना एफिनिटी रखता है, यानी समानता कितना रखता है, ये आपको मेंशन करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया के बारे में आपको डिटेल में लिखना है कि किस तरह से ओरिजिन हुई, किस तरीके से इसका इवोल्यूशन जो है आपको देखने को मिला। नेक्स्ट आता है मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। नेक्स्ट आता है बाइटिंग एपरेटस एंड बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक, यानी कि बाइटिंग एपरेटस क्या क्या है, जैसे कि उनके फैंग्स हैं, टीथ हैं, ऑपिस्थोग्लाइकस है, ये सारा चीज मेंशन करने अपरेटस और बाइटिंग मैकेनिज्म में किस तरीके से वो फैंग को बॉडी में इंजेक्ट करता है, उसके बाद किस तरीके से वो पॉइजन को डालता है, तो ये सारा ये जो हो गया ये मैकेनिज्म हो गया। तो किस तरीके से डालने के दौरान उसका जो बोन है वो मैकेनिज्म करता है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करना होता है बाइटिंग अपरेटस एंड बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक में। नेक्स्ट आता है फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टर एंड एफिनिटी ऑफ मेटाथेरिया। तो ये कुछ 8 क्वेश्चंस हैं लॉन्ग में जो कि आपको करके ही जाने हैं। दैट इज द क्लासिफिकेशन रेप्टिलिया, एआरओ, डिप्नोई, एम्फीबिया की ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, बाइटिंग अपरेटस, बाइटिंग मैकेनिज्म इन स्नेक, फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टर्स एंड एफिनिटी ऑफ मेटाथेरिया। अब आते हैं शॉर्ट में। शॉर्ट में जो है आपको फिगर्स इन बर्ड पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेक्टिन पूछा जा सकता है। ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। एयर सैक इन कुलम्बा पूछा जा सकता है, या फिर एयर सैक इन कुलम्बा, या फिर रेस्पिरेशन इन कुलम्बा करके पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्रॉल वाल्व और स्कॉलियोरोन इंटेस्टाइन, ठीक है। अब डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि आप डिप्नोई का एग्जांपल लेके अच्छा से लिख सकते हो, तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट जो है वो आपको प्रिपेयर करके जाना है। तो दिस इज अबाउट द पेपर थर्ड सजेशन, जो आपको करके ही जाना है, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, तो रिस्क लेने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। हाँ, कर्सर भैया मिल जाओ। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर फोर्थ की। तो पेपर फोर्थ में आपको क्या क्या करके जाना है, इंटैगुमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव पढ़ के जाना है, हर्ट के बारे में पढ़ के जाना है, यानी हर्ट एओर्टिक आर्म जो हमने लिखा है, इसमें आपको कॉम्परेटिव एनाटॉमी पढ़ के जाना है, कॉम्परेटिव एनाटॉमी ऑफ हर्ट, कॉम्परेटिव एनाटॉमी ऑफ एओर्टिक आर्क, यानी कि फिश में कैसा हर्ट होता है, मतलब किस तरीके से एक्चुअली हर्ट का इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम द पीसेस क्लास टू द ममेलिया क्लास,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें पढ़ के जाना है, हार्ट, एओर्टिक आर्क, एंटैंगलमेंट्स, इन सब के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सिस अप टू द फॉर्मेशन ऑफ सिलोम। नेक्स्ट आता है आपको डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक। किस तरीके से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और इसका फंक्शन क्या है इन चिक में, तो ये पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आता है प्लेसेंटाइन मैमल्स और इसके प्लेसेंटा कितने तरीके के होते हैं, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे होता है, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें और सारे के सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट वन इज द ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ ब्रेन इन चिक, यानी कि चिक का ब्रेन किस तरीके से बनता है। तो इट्स ऑल अबाउट द पेपर फोर्थ सजेशन इन ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस का आपको सजेशन हो गया एंड अब बात करते हैं शॉर्ट का। तो ध्यान दीजिएगा कि आप कहोगे कि शॉर्ट में मैम इतना सही लिखा है, तो आप जितना लॉन्ग पढ़ रहे हो ना, इसी में से भी इसमें से भी कुछ शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं। सो आप जब लॉन्ग पढ़ोगे तो शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी डील हो जाता है आपका। फिर भी चलिए, पार्थिनोजेनेसिस आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि पार्थिनोजेनेसिस के बारे में आप आराम से डेढ़ पेज दो पेज लिख सकते हैं। मेटानेफ्रिक किडनी के बारे में लिख सकते हैं। ओजेनेसिस क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में ओजेनेसिस पूछा जा सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा जा सकता है, प्लेसेंटा के फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया, जैसे आपने यहाँ पे प्लेसेंटा आपने पढ़ा, ठीक है, तो प्लेसेंटा पढ़ा, प्लेसेंटा डेवलपमेंट पढ़ा, टाइप्स पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, तो आपको ऑलरेडी यहाँ पता है कि फंक्शंस क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। अगर आ गया फंक्शन तो प्लेसेंटा सिर्फ करके तो आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिस कॉर्पस लूटियम। तो ये सारे के सारे जो पेपर फोर्थ और पेपर थर्ड के सजेशंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ये आपको बिल्कुल करके ही जाना है एग्जाम में। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो ये सजेशन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे, और जब आप एग्जाम दे के आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना मैच हुआ, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और जितना हमने दिया है उसको पढ़ते रहिए और रिमेम्बर करते रहिए। अब हमारा लाइव लेक्चर का क्लास भी हो, टाइमिंग भी जो है होने जा रहा है, सो ठीक है। और हाँ, बीएससी पार्ट 1 का सजेशन भी मैं अपलोड करूँगी थोड़ी देर में। ओके।